बहुत अच्छी फिल्म तो मैंने बहुत पहले देखी थी, मुझे याद नहीं है, शायद मैंने लास्ट बहुत अच्छी फिल्म राजी देखी थी, राजी बहुत अच्छी थी, और बाकी फिल्में तो सभी, हाँ नहीं, अंधाधुन देखी थी, अंधाधुन बहुत बढ़िया थी, तो फिल्में तो सभी अच्छी हैं। मुझे तो कलंक भी अच्छी लगी, पता नहीं लोग बहुत बुरा कह रहे हैं फिल्म के बारे में, बट इतने बड़े बड़े सेट्स है, इतने बड़े स्केल पे फिल्म शूट की गई है, मुझे तो अच्छी लगी भाई, लव स्टोरी बहुत अच्छी थी आलिया और वरुण की, तो पता नहीं बाकी लोगों को इतनी अच्छी क्यों नहीं लगी। सर, भारत का पोस्टर आ चुका है, सलमान खान जो एक अलग अवतार में दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा? देखिए, जो भारत है वो शायद किसी कोरियन फिल्म की का रीमेक है, और वो कोरियन फिल्म मैंने देखी, वो बहुत ही बढ़िया फिल्म है, हो सकता है कि इन्होंने भी इतनी अच्छी फिल्म बनाई हो। सर, एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं आप? बिल्कुल, लकी नंबर, लकी कलर आपके लिए? बिल्कुल नहीं, मेरे लिए सारे कलर लकी हैं और सारे नंबर्स लकी हैं। भाग्य में बिलीव करते हैं? भाग्य भरोसा, भाग्य में लोग? बिल्कुल नहीं, भाग्य तो तभी बनेगा जब आप यहाँ आए हो तो फोटो मिलेगा एक्टर्स का, अगर यहाँ नहीं आते तो फोटो कहाँ से मिलता। तो मेरे ख्याल में भाग्य तो यही है कि भाई आपको काम करना पड़ेगा। कोई लकी कलर, लकी नंबर आपके लिए? बिल्कुल नहीं। और कुछ कहना चाहेंगे सर? शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू सर। सुखी सुखी, कम कम कम, उसी पे जा रहे हैं जो तो कैप्टन, या कम 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 भाई यार, यहां पे थोड़ा लेफ्ट में कर दी सर, रुक क्या करा सर, आ जाए क्यों, सो एवरीवन योर सर। एक बाइट तो देना पड़ेगा, इतना मिल गया। Who is asking? हाजी सुखी, सुखी जी भाई, अरे बीच में आ जाइए आप, क्या आप क्या? वेल, बहुत मेहनत से ये म्यूज़िक बना है, और हमेशा अश्विनी जी के साथ जब हम काम करते हैं तो देर इज़ ऑलवेज अ फ्री हैंड, फिल्म का जो मुद्दा होता है उससे ही जुड़कर गाना बना है ऑब्वियसली, और ऐसा टाइटल, ये जो टाइटल था वो भी इनका ही था, करतूत है, और बहुत ही कमाल का, जिस तरह से इस गाने की शुरुआत हुई, जिस तरह सुखविंदर सिंह आए, जिस तरह से रफ्तार का की एंट्री हुई इस गाने में, बहुत ही ब्यूटिफुली और ऑर्गेनिकली हुई है, और बहुत बार ऐसा होता है कि जब गाना पिक्चर के लिए बनाते हैं तो उस कभी कभार पिक्चर से अलग हो जाता है, ये बिल्कुल पिक्चर की स्टोरी से चिपक के, तो वो उस बात की मुझे बड़ी खुशी है। ओके सर, आपसे जानना चाहूंगी, यू नो, फिल्म की स्टोरी को देखते हुए गाने का नाम क्या है, फिल्म में लाना किस तरीके से था, क्या था उसके बारे में थोड़ा सा? नहीं, फिल्म मतलब टाइटल ट्रैक है फिल्म का ही, सुखी पाजी ने जब हम लोगों ने बुलाया था सर, सब ने यही कहा, सुखी पाजी चूंकि बहुत टाइटल ट्रैक गाते हैं तो जब बुलाया था उनका अपने टाइटल ट्रैक तो नहीं गवा रहे मेरे से। सो चूंकि फिल्म जिस तरह की फिल्म है, इट्स अ हार्ड हिटिंग थ्रिलर, सोशली रेलिवेंट सब्जेक्ट पे है, और उसी तरह का गाना है, और चूंकि सलीम भाई, सलमान भाई के साथ मेरा पुराना रिश्ता है, हम लोगों ने पहले बहुत काम किया है, और बहुत खूबसूरत गाना इन्होंने बनाया, और जब सुखी पाजी आ गए और उसके बाद रफ्तार आ गए तो गाना आप लोग सुन ही लेंगे मुझे लगता है। The Legends, Salim Suleiman is my favorite. इनका जो म्यूजिक है वेरी ग्लैमरस, मीनिंगफुल, मेलोडियस, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, और इस फिल्म का कंटेंट इतना क्लोज टू हार्ट है ना, दिल करता है कि ऐसी चीज़ों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जब गा रहा था तो अगर आप पूरा गाना सुनेंगे, एक बार तो मैं झरनों की तरह बह गया, मतलब वो आक्रोश, दैट रेवोल्यूशनरी जो इम्पैक्ट है वो नजर आता है। तो आई एम रियली ब्लेस्ड टू गॉट अपॉर्चुनिटी टू सिंग द सॉन्ग लाइक करतूते।
आजकल जो है बहुत सारे गाने रिक्रिएट किए जा रहे हैं और आप ये एक ओरिजिनल गाना लेके आए जी, तो कितना प्रेशर रहता है जब ओरिजिनल गाना आप किसी के सामने पेश करते हो या फिर रिक्रिएशन किसके सामने पेश करते हो? देखो क्या होता है कि रिक्रिएशन करते हैं तो प्रेशर होता है कि यार पुराना गाना है, लेजेंडरी गाना है, उसको हिट पहले से हिट है, उसको फिर से हिट करना है। When you are creating original गाने, then there is no pressure. आप story को follow कर रहे हो, आप script को follow कर रहे हो, आप जिस तरीके का माहौल है उसके साथ relevance रख के आप गाना बना रहे हो, तो pressure वो pressure नहीं होता है. That is called creativity. और मैं add करना चाहूँगा कि हम लोग बिल्कुल खिलाफ़ हैं recreation, क्योंकि जो काम हो चुका है, जो इतने legendary म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने, इतने कमाल के और लिरिसिस्ट ने इतना कमाल का कमाल के गाने बनाए और कमाल के सिंगर्स ने इतना खूबसूरत गाने, उसको क्यों छेड़ना? वी आर वेरी अगेंस्ट दैट। छेड़ने की बात तो एक है, प्लस ये होता है कि कंपोज़र का फिर रहा क्या? एक हमारे इतने बिलियंस की आबादी है, करोड़ों की आबादी, 130 करोड़ है हम लोग, वो 130 करोड़ में से ऐसे हम गिन चुन के 6, 8, 10, 20 कंपोज़र हैं, तो वो 20 कंपोजर ऐसे नहीं हो सकता है कि नए गाने बना सकते हैं? बहुत ज़रूरी है। मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगती है। मैं एक सवाल पूछूं सुखी से? हाँ। अगर आपको कोई रिक्रिएटेड गाना आपके सामने आया तो क्या आप गाएंगे? अरे मुझे मेरा ही गाना गाने को बुलाया और मुझे बोला गया थोड़ा चढ़ के गाओ। अच्छा, मतलब मेरी छाती पे मेरा ही पाओ। सो बेसिकली अगर कोई उसको रिक्रिएट करते हैं, रिक्रिएट नहीं करते हैं, री रिकॉर्ड करते हैं, अगर उस पर्सन का नाम भी अगर पर्दे पे आता है, आई डोंट माइंड, बट देयर हैज टू बी द ओरिजिनल म्यूजिक कंपोजर नेम फर्स्ट। कि ये बड़ी बात, ओरिजिनल स्कोर बाय पंचम दा, लक्ष्मीकांत कैरला, आर डी बर्मन, जो उसके बाद री रिकॉर्ड बाय या रिक्रिएट जो भी करते हैं, एटलीस्ट उतना तो हो। तो मुझे तो अब मेरे पे तो आप तो बोले कहते आप छैया छैया ऐसा कर दो कि पहले वाला भूल जाए, मैं और मुझे बुलाने की कोशिश की जाए, मैं अगर नहीं, थैंक गॉड नहीं हुआ। IPL मैं बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं थोड़ा सा लेट इसलिए भी हो गया हूँ बिकॉज मुंबई इंडियंस जो मेरी फेवरेट टीम है वो आज खेल रही है, और सॉरी अश्विनी जी मैं थोड़ा दो तीन ओवर लेट आया हूँ, दो तीन ओवर देख के आया हूँ, थोड़ा 10 ओवर पे 75 रन थे, तो मैं बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो कर रहा हूँ। मैं वो जो चौके छक्के पे वो जो डांसिंग करती ना गर्ल्स, दैट इज द बेस्ट मोमेंट आई लव दैट, बट इट्स अ गेम स्पोर्ट। यस, मैं क्रिकेट बिल्कुल फॉलो नहीं करता हूँ, और मैं भी नहीं करता, बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि काफी सारी और चीजें हैं लाइफ में क्रिकेट के अलावा फॉलो करने के, बट क्रिकेट के ऊपर जो इन्होंने गाने बनाए हैं उसको पूरे वर्ल्ड ने फॉलो किया है, चक दे इंडिया, पूरे यूनिवर्स ने फॉलो किया है, पूरे आज भी एक्चुअली हॉकी पे बनाया था, बट क्रिकेट से IPL में क्रिकेट अभी वो हर जगह यूज होता है। सो सलीम सर, आपसे जैसे कि आपने कहा आप ही ओनली पर्सन हैं जो फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और फेवरेट प्लेयर? देखिए मुंबई इंडियंस मेरी फेवरेट टीम है इसलिए क्योंकि मैं मुंबई का हूँ, और मुंबई इंडियंस एक ही टीम है जिसमें वर्ड इंडिया है, और वो मेरे दिल के भाग है। दो लाइनें हो जाए सॉन्ग के, अभी तो पूरा गाना गाएंगे ना, गाना गाएंगे ना, जी जी, याद करो अश्विनी। नहीं, सिन सिटी मुझे चूंकि एक तो बहुत नई जगह है पहली चीज, दूसरा सिन सिटी जो मतलब हमारी इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर और बहुत अच्छे साजिद कुरैशी उनकी जगह है, सो एक तो ये है कि हमारा एक वो संबंध है कि इंडस्ट्री के एक आदमी डाइवर्सिफाई करके एक ऐसी जगह खोली, और मुझे लगता है कि यहाँ से लेके टाउन तक, क्योंकि हम लोग तो 20 साल से इवेंट्स करते हैं, इससे खूबसूरत जगह इस शहर में नहीं है दूसरी, और फिल्म इवेंट्स के लिए तो हो ही नहीं सकती है। सो थैंक यू सिन सिटी, थैंक यू साजिद भाई, थैंक यू। अभी तो अंदर घुसे नहीं है, बहुत ही फ्रेंडली माहौल, फ्रेंडली माहौल लग रहा है, स्पेशियस है, लुक्स नाइस, लुक्स गुड। नहीं दो नहीं, मैं 10 गाऊंगा, हाँ पूरा गाना गाएंगे। आइए
थर्ड मैंने फिल्म देखी नहीं है, तो इससे मुझे मेरी एक्साइटमेंट थोड़ी ज़्यादा है कि कब वी स्टार्ट द स्क्रीनिंग एंड आई गेट टू वॉच द फिल्म. ओके, और अगर गानों की बात की जाए तो कौन सा फेवरेट गाना है? ऑफ कोर्स दिस वन दैट यू लॉन्चिंग एंड आई थिंक इट्स अ वेरी पेपी सॉन्ग. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक आपने थोड़ा बहुत ट्रेलर में तो सुना ही होगा. टुडे यू विल गेट टू हियर द एंटायर सॉन्ग. आई थिंक पीपल आर रियली एंड इट्स वेरी टुडेज जनरेशन द काइंड ऑफ सॉन्ग आजकल लोगों को पसंद आ रहा है उस टाइप की सॉन्ग है. I don't know the exact count, but we don't have any song in the film jahan pe, you know, people are singing or lip sync nahi hai, because the film is very different. We purposely didn't put a song because it would have broken the rhythm of the film. So we have a lot of background scores. This is one of them. Acha, film ka naam Setter hai. Film mein set kaun karta hai? Matlab jaise humne dekha poster mein bahut sare chehre hain, ji ji, lekin usme se setter kaun hai? Agar kuch share karna chahe film ka background. जो मैं पवन जी की डॉटर का रोल प्ले कर रही हूँ, ही इज़ द मेन सेटर. ही इज़ द वन जो सारा पेपर लीकिंग और जो भी प्रॉक्सी जो भी सेटिंगबाजी होती है उनके थ्रू होती है. ही इज़ द मेन पर्सन. बट मेरा कैरेक्टर बहुत ही क्यूट है बिकॉज वो अपनी छोटी सेटिंग करते रहती है. तो फादर की सेटिंग तो चल रही है, उसका अपने लोगों के साथ सेटिंग चल रहा है. एंड फादर इज़ कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ये जितनी भोली दिखती है उतनी भोली है नहीं. उनके सामने चाय का ट्रे लेकर आएगी, बट इशारों में कमरे में जितने सारे लोग हैं सबके साथ उसकी सेटिंग चल रही है. सो दिस इज हर कैरेक्टर. सो इट्स अ वेरी क्यूट कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग. ही सेड प्रेरणा जो मेरा कैरेक्टर का नाम है, ही सेड दैट शी इज फन लविंग. लाइक आई सेड सुमड़ी, लाइक यू नो शी इज दबंग. ट्रेलर में देखा होगा वो गन उठा के धमकाती है लोगों को, तो वैसी है. लेकिन एक्चुअल में गन चलाएगी नहीं. शी इज़ नॉट समबड़ी हु विल एक्चुअली यूज़ इट, बट अपना फ़ायदा निकालने के लिए वो छोटी बहुत जैसे मैंने कहा सेटिंग कर देती है. आई एम बैक हियर. आई थिंक आई हैव सम कनेक्शन बिकॉज दिस इज इन द लास्ट 10 डेज. आई थिंक दिस इज सेकंड टाइम आई एम कमिंग बैक हियर, फर्स्ट फॉर ब्लैंक एंड नाउ फॉर सेटर. एंड टुडे द वेदर इज नाइस सर, सो आई थिंक वी गोइंग टू एंजॉय द अदर पोर्शन ऑफ सिन सिटी. थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर. इंडिया में आईपीएल का फीवर चल रहा था, क्या आईपीएल देखती है? इन माई फैमिली, इन माई मॉम एंड डैड, none of us we don't like cricket, and my in-laws ki family mein everybody is crazy about cricket. To roz raat ko sab baith ke cricket dekhte hain, and I am absolutely zero when it comes to cricket. I like watching it but with people, because unko dekh ke mujhe maza aata hai when they enjoy and they are and jo mere brother in law hai wo jo bhi team ko support karta hai always support the opposite team just for fun. Kis team ko zyada support karte hain? Of course, Mumbai Indians. And just to irritate my brother-in-law, I sometimes always choose the opposite team and he gets very annoyed. So yeah, it's fun. Thank you. Ishita. Saurabh, bahas kyun kar rahe ho tum? Kaun sir se? लाइट चालू करना, देख लाइट ठीक है. हेलो सर, सर सेंटर में आप पहले फोन सर, यहाँ पे सर लेफ्ट में. नमस्कार, गुड इवनिंग. यस सर. ओके सर, कांग्रेचुलेशंस फॉर द ट्रेलर. थैंक यू. ट्रेलर को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और आज म्यूजिक लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं आज की? बहुत एक्साइटेड हूँ. सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इस बात को लेकर हूँ क्योंकि हमारा जो ट्रेलर है वो सब लोगों को पसंद आ रहा है और एक कॉर्ड सा स्ट्राइक कर रहा है लोगों के अंदर, एंड वे वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. और काफ़ी इंथूजियास्टिक है क्योंकि जो गाना है आज हमारा पहला गाना लॉन्च हो रहा है. So it's a lovely function, lovely evening, and we're thankful to all of you to be here.
एज वेल एज वे लुकिंग फॉर जो ट्रेलर हम लोगों ने गाने पे काटा है वो हम चाहते हैं कि आप सब देखें और उसे पसंद करें, उसे भी पसंद करें। ये जो अभी हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, फिल्म में बहुत सारे गाने नहीं है लेकिन ये जो गाना है ये बहुत इफेक्टिव, बहुत ही इम्पैक्टफुल, मतलब यूथ भी आइडेंटिफाई करेगा और जो आम तौर पर मतलब जो नॉर्मल लोग होते हैं वो भी आइडेंटिफाई करेंगे इस गाने से। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इफेक्टिव सॉन्ग एंड आई एम लुकिंग फॉर यू गाइस लिसनिंग टू इट। आई थिंक सबसे ज़्यादा पहले तो एक्टर एक स्क्रिप्ट को ढूंढता है, अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो तो, अगर इम्पैक्टफुल हो या यू नो इट क्रिएटिवली एक्साइट्स एन एक्टर, तो वो पहले सबसे पहले तो एक्टर वो चुनता है। ऑब्वियसली उसके बाद क्लोजली फॉलोड बाय कौन डायरेक्ट करने वाला, बिकॉज जो डायरेक्टर होता है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, तो उनका जो विजन होता है वो एक एक्टर को रिस्पेक्ट करना चाहिए और मतलब आई लुक फॉर दैट इन अ डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर मुझे इंस्पायर करता है या मुझे यू नो ही गिव्स मी समथिंग दैट आई हैव नॉट डन बिफोर, दैट फॉर मी जो मेरे लिए सबसे अहम चीज़ होता है एज एन एक्टर फॉर अ डायरेक्टर। क्यों नहीं ऑफर हो सकते? आई थिंक हर एक्टर के जीवन में कहीं ना कहीं फेज में अलग अलग रोल्स भी ऑफर किए जाते हैं, सो आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू गेट एन ऑफर लाइक सेटर्स एंड अ रोल लाइक सेटर्स, एंड आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन बिफोर एज वेल। आई वेयर ऑल व्हिच थिंग्स दिस थिंग्स आई बिलीव इन द डिवाइन, आई बिलीव इन द क्रिएटर, आई बिलीव इन लाइफ, आई बिलीव इन यू गाइज एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ। मैं बहुत मैं जितना हो सके मैं देखता हूँ और अभी फ़ोन पर भी फॉलो करता हूँ। ऑब्वियसली स्टेडियम में नहीं जा सकता बट व्हेनेवर आई कैन आई वुड डेफिनेटली लाइक टू, आई फॉलो इट, आई फॉलो ऑन ट्विटर, आई फॉलो ऑन द न्यूज़।